यह कहानी अखिल की है जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अखिल की प्रेरणादायक यात्रा। आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस कहानी से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अखिल अपने छोटे से अपार्टमेंट के एक कोने में रखी अपनी बिखरी हुई डेस्क पर बैठा था। उसके हाथ सिर पर टिके हुए थे, बिलों का ढेर लगा था, बैंक से आए नोटिफिकेशन बिना खुले पड़े थे और चारों तरफ निराशा का माहौल छाया हुआ था। उद्यमी बनने की उसकी यात्रा जितनी उसने कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक कठिन साबित हुई थी। कुछ साल पहले अखिल के मन में उत्साह, जुनून और उम्मीद की लहरें थीं जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन अब यह सब एक दूर के सपने जैसा लग रहा था, मानो एक बुरा सपना। बचपन से ही अखिल का सपना था कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। वह वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता था, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन प्रदान करना चाहता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता और अखिल इसे कठिन तरीके से जानने वाला था। अखिल का पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उसने अपने पिता को फैक्ट्री में लंबे घंटे काम करते हुए देखा, जो बमुश्किल परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। उसकी मां घर पर रहती थीं, अखिल और उसके छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थीं और लगातार आर्थिक तंगी के बावजूद घर को प्यार और गर्माहट से भरने की कोशिश करती थीं। अपने माता पिता को संघर्ष करते देख अखिल ने खुद से वादा किया कि एक दिन वह सफल होगा। वह पगार से पगार पर निर्भर नहीं रहेगा, वह कुछ बड़ा बनाएगा, कुछ ऐसा जो न सिर्फ धन लाए बल्कि उसके परिवार के लिए सुरक्षा और खुशी भी लाए। कई सालों तक बचत करने और योजना बनाने के बाद अखिल ने अंततः अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। एक छोटा रिटेल कंपनी जो पर्यावरण के अनुकूल घरेलू उत्पाद बेचती थी। बाजार इसके लिए उपयुक्त लग रहा था और स्थिरता के प्रति उसका जुनून उसकी प्रेरणा का स्रोत था। उसने बिजनेस शुरू करने के लिए एक लोन लिया और शुरुआत में बिजनेस ने अच्छी संभावनाएं दिखाई। ऑर्डर आने लगे, ग्राहक रुचि दिखाने लगे और ऐसा लगा जैसे उसके सपने हकीकत में बदल रहे थे। लेकिन सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। पहले कुछ महीने भावनाओं की झूले की तरह थे। अखिल कड़ी मेहनत कर रहा था, अक्सर 18-18 घंटे काम करता था। वह अपने परिवार को बमुश्किल देख पाता था, लेकिन खुद से कहता था कि यह सब आखिर में इसके लायक होगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, समस्याएं सामने आने लगीं। आपूर्तिकर्ताओं ने शिपमेंट में देरी करनी शुरू कर दी और कुछ तो कारोबार से बाहर हो गए, जिससे अखिल को नए विकल्प ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी नकदी जल्दी खत्म होने लगी क्योंकि अधिक से अधिक धन अप्रत्याशित समस्याओं को सुलझाने में चला गया। और फिर पहला बड़ा झटका आया। उसके सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक ने डिफॉल्ट कर दिया, जिससे अखिल पर एक बड़ा कर्ज आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कंपनी उसके प्रमुख साझेदारों में से एक थी और उनके बिना उसकी इन्वेंट्री खतरनाक रूप से कम हो गई। ग्राहक शिकायत करने लगे और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होने लगा। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसके लोन की किश्तें आने लगीं और उसके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। बैंक को कोई सहानुभूति नहीं थी और उसके बढ़ते कर्ज का दबाव असहनीय था। तनाव उसके कंधों पर पहाड़ की तरह महसूस हो रहा था। हर रात अखिल अपने बिस्तर पर जागता रहता, छत की ओर घूरता और असफलता के ख्यालों में खोया रहता। उसकी वित्तीय स्वतंत्रता का सपना अब उसे एक दूर की कल्पना लगने लगा था। जैसे जैसे उसके व्यापारिक संघर्ष बढ़ते गए, उसका व्यक्तिगत जीवन भी बिखरने लगा। उसकी पत्नी सारा शुरू से उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी, लेकिन लगातार तनाव, देर रात का काम और आर्थिक दबाव उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगे। अखिल अब वह सकारात्मक, आशावान व्यक्ति नहीं था जिससे सारा ने शादी की थी। वह चिड़चिड़ा और गुमसुम हो गया था, अक्सर अपने ही ख्यालों में डूबा रहता था। एक रात पैसे और भविष्य को लेकर हुए एक और झगड़े के बाद अखिल टूटकर रो पड़ा। वह अभिभूत हो चुका था। उसका व्यापार असफल हो रहा था, वह अपने परिवार का सम्मान खो रहा था और उसे खुद एक असफल इंसान महसूस हो रहा था। सारा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की,
लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। वे बमुश्किल गुजारा कर पा रहे थे। उनकी सारी बचत खत्म हो चुकी थी और वे अपना घर खोने की कगार पर थे। अखिल को लगने लगा कि पूरी दुनिया का बोझ उस पर आ पड़ा है। इस सब के बीच अखिल के पिता बीमार पड़ गए और चिकित्सा बिलों का अंबार लगने लगा। उसके छोटे भाई बहन उससे मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। हर बार जब फोन बजता, अखिल को डर लगता कि कहीं फिर से कोई कर्जदाता, सप्लायर या बैंक वाला तो फोन नहीं कर रहा है। अगले दिन अखिल के भीतर कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उसने पहले भी चुनौतियों का सामना किया था और अब भी करेगा। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपना ध्यान पूरी तरह से अपने व्यवसाय की समस्याओं को हल करने पर केंद्रित किया। अखिल ने अपनी गलतियों से सीखते हुए पहले की गई वित्तीय योजना की समीक्षा की। उसने खर्चों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए, गैर जरूरी खर्चों को खत्म किया और अपने कर्मचारियों को अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उसने मार्केट रिसर्च की ताकत को पहचाना और अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया। इस जानकारी के आधार पर अखिल ने नए उत्पादों को लॉन्च करने का फैसला किया, जो पर्यावरण के अनुकूल और साथ ही ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुसार थे। वह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। सुबह जल्दी उठकर वह अपने ग्राहकों से खुद मिलने जाता, उनकी प्रतिक्रिया लेता और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करता। उसने अपनी मार्केटिंग रणनीति में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर प्रचार करके अपने उत्पादों की पहुंच को बढ़ाया। एक और बड़ी चुनौती का सामना करते हुए अखिल ने प्रभावी नेटवर्किंग की अहमियत को समझा। उसने स्थानीय व्यापारिक सम्मेलनों और आयोजनों में भाग लेना शुरू किया, जहां उसने सफल उद्यमियों और संभावित निवेशकों से सीखा कि कैसे मुश्किल वक्त में कारोबार को चलाया जाता है। इस सब के बीच उसने यह भी महसूस किया कि सब कुछ अकेले करना संभव नहीं है। उसने अपनी टीम को सशक्त बनाया, उन्हें सही ट्रेनिंग दी और उन्हें फैसले लेने की आजादी दी। इससे वह बड़े निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सका। धीरे धीरे उसने बैंक से बेहतर शर्तों पर कर्ज का पुनर्व्यवस्था किया और सप्लायरों के साथ भुगतान की शर्तों पर फिर से बातचीत की, जिससे उसके व्यवसाय की नकदी प्रवाह में सुधार हुआ। अखिल को यह भी एहसास हुआ कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और बहाने नहीं बनाते, उन्हें भगवान हमेशा मदद करते हैं। उसकी मेहनत और लगन ने उसकी किस्मत को बदल दिया और कठिनाइयों के बावजूद वह पहले से भी मजबूत होकर उभरा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अखिल का व्यवसाय स्थिर होने लगा, बिक्री फिर से बढ़ने लगी और वह अपने ग्राहकों का भरोसा वापस जीतने में कामयाब रहा। छोटी छोटी सफलताएं अंततः बड़े बदलावों में बदल गईं। उसकी कंपनी, जो कभी टूटने की कगार पर थी, अब मुनाफा कमाने लगी थी। अखिल ने न केवल अपने कर्ज चुका दिए, बल्कि अपने मूल वित्तीय लक्ष्यों को भी पार कर लिया। कुछ वर्षों में उसने अपने व्यवसाय को नए बाजारों में फैला लिया और उसके उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ गई। अब वह पर्यावरण हितैषी उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति बन चुका था, जो अपने नवाचार और दृढ़ता के लिए जाना जाता था। अखिल ने एक बात और सीखी कि सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं है। असली सफलता कठिन मेहनत करने, असफलताओं से सीखने और कभी हार न मानने में है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो कठिन मेहनत करते हैं और बहाने नहीं बनाते। अखिल की कहानी उम्मीद, दृढ़ संकल्प और साहस की कहानी है। उन्होंने जिन संघर्षों का सामना किया, आर्थिक तबाही, पारिवारिक समस्याएं, अवसाद और कर्ज, वह किसी को भी तोड़ सकते थे, लेकिन अखिल ने कभी हार नहीं मानी। उसने सीखा कि सफलता की राह सीधी नहीं होती और जो कठिनाइयां आती हैं, वही हमें मजबूत बनाती हैं।